राम रमीति रामम राम नाम वराण्य। जय श्री राम, जय हनुमान, जय स्वामी लीला शाह। दोस्तों, आज जो एपिसोड है ये 27 फरवरी 1964 27 फरवरी 1964 को प्रातःकाल शिवबाग अजमेर में किया गया प्रवचन है। टॉपिक है मंगल रूप ईश्वर नाम का जाप। शुरू करते हैं। ईश्वर नाम स्मरण करने से मंगल होता है, क्योंकि ईश्वर मंगल स्वरूप है। हम पर ईश्वर की कृपा हो, ऐसा कई कहते हैं, परंतु यदि ईश्वर कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो अहंकार को छोड़ो। आप खूबसूरती पर घमंड मत करो, क्योंकि आपसे भी अधिक कई खूबसूरत हैं। कई अकल पर घमंड करते हैं, परंतु आपसे भी अधिक कई अकलमंद हैं। कई धन पर घमंड करते हैं, आपके पास 4 लाख रुपए होंगे, परंतु दुनिया में कई करोड़पति भी हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें विद्या का अभिमान होता है, परंतु सोचो कि आपसे भी बड़े कई विद्वान हैं, फिर अहंकार क्यों करते हो। लोग अपने बंगले पर घमंड करते हैं, परंतु कई मंजिलों वाले बंगले दुनिया में मौजूद हैं, फिर अहंकार किस बात का। ताकत का भी अभिमान मत करो। आज हजारों में कोई एक स्वस्थ है। मन वतन की थोड़ी भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। स्वयं को बच्चा समझकर अहंकार को निकट न आने दें। सबसे बड़ा अहंकार देह का है। कई कहते हैं कि हम में कोई अवगुण नहीं है, परंतु इंसान पल पल भूल जाता है। गुणवान हो तो अभिमान मत करो, फिसल जाओ तो फिर होशियार हो जाओ। यदि चाहते हो कि तुमसे भलाई हो तो सभी से भलाई करो। एक संत को 200-250 लड़के गालियां दे रहे थे, परंतु वह चलता रहा। 3-4 लड़के उसके पास आए तथा कहने लगे कि इतने लड़के तुम्हें गालियां दे रहे हैं। उसने कहा कि मैं तो उनसे गालियां ले ही नहीं रहा हूं। बड़ों का काम है आशीर्वाद देना और छोटों का काम है सेवा व सत्कार करना। घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। सास बहू में झगड़ा होता है, परंतु वह दूर हो जाएगा। जब सास अपनी बहू को बेटी व बहू अपनी सास को माँ समझने लगेगी, झगड़े से हृदय में क्रोध उत्पन्न होता है। ईश्वर को याद करो। व्यवहार की बातों में सुधार होना चाहिए। विवेकपूर्ण कार्य करना चाहिए। जो विवेक से कार्य नहीं करता वह दुखी होगा। सत्य असत्य ये पहचान करो तथा सत्य को धारण करो। मैं देह हूँ यह भावना छोड़ दो। देह अभिमान करने से आप में सत्य की स्थिति नहीं होगी। कोई भी चिंता मत करो। चिंता तो मृतक को जलाती है, परंतु चिंता जीवित इंसान को जला देती है। विवेक को पकड़कर संसार में चलना चाहिए। ईश्वर भक्तों का है। कई कहेंगे कि ईश्वर तो सबका है, परंतु ईश्वर की अपने भक्तों पर ही विशेष कृपा होती है। आप जो कुछ देख रहे हो वह ईश्वर की माया है। सृष्टि मिथ्या है। सिनेमा घर में बिजली के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। संसार क्या है? सुख दुख। सुख दुख ना होवे तो संसार कैसा? सुख दुख आएंगे और चले जाएंगे। मेरा तेरा करने से इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। इच्छाओं की पूर्ति करने की कोशिश करोगे तो स्वयं ही खत्म हो जाओगे। गीता तो मोह व अभिमान त्यागने की शिक्षा देती है। आप देह से अलग हो जाओ। शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर मोह किसका रहेगा? शरीर बना है 5 तत्वों से, आधार शरीर किराए का है। कई उसे अपना कहने लगते हैं, कई तो आगे ही नहीं बढ़ते तथा शरीर को मैं समझने लगते हैं। कैसा ना अज्ञान है। समुद्र पानी को अपने पास समेटे रखता है तो वह नीचे है, परंतु बादल पानी देता है तो वह ऊंचाई पर है। तन होवे तो उसे सत्कर्म में लगाओ। जो दहेज लेता है वह मानो अपने पुत्र को बेचता है। इस प्रकार लेन देन तो जानवरों की होती है। जानवरों से जो संतान पैदा होगी वह भी तो जानवर ही बनेगी। इसलिए दहेज रूपी पाप से बचो, मोह दुख देगा। पदार्थों से कार्य लो, परंतु उनके मोह में मत फंसो। वे पदार्थ तो आप यहाँ ही छोड़कर चले जाएंगे। आत्मविचार करो कि मैं कौन हूँ, ऐसा स्वयं से पूछो। इस प्रकार आत्मचिंतन आत्मस्थिति हो जाती है। स्वयं को पहचानो तो अज्ञान टूट जाएगा, जो कि सभी दुखों का कारण है। जो सुखों का सुख ब्रह्मानंद है वह प्राप्त करो, तब हम धर्मात्मा बनेंगे। जब श्रेष्ठ स्वभाव होगा, तृष्णा का पेट बहुत बड़ा है, तृष्णा को कैसे मिटा सकेंगे? संतोष उसका उपाय है। कर्म तो करना है, परंतु जो होवे उस पर संतोष करना चाहिए। हृदय में जो अभिलाषा रखी है तो भक्ति तो चलते फिरते भी कर सकते हो। मित्रों, बहुत अच्छी बात स्वामी लीला शाह महाराज ने आज के प्रवचन में कही है। मंगल रूप ईश्वर नाम का जाप। किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थान में आप प्रभु का ध्यान कर सकते हैं, उनका नाम जप सकते हैं। और यदि आपने इच्छा कर ली कि मुझे भक्ति करनी ही है, तो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। मैं कई ऐसे भक्तों को देखता हूँ जो इस कौन अन्य संस्थाओं में दीक्षा जिन्होंने ले रखी है, और रास्ते पर संकीर्तन करते देखता हूँ उनको, मेट्रो में या गाड़ियों में जा रहे हैं तो अपना माला जाप कर रहे हैं। मेरा तो ये कहना है कि आप माला कभी फेर में क्यों पड़े। जो श्वासोश्वास की गिनती है, सो अहम जो नाद चलता है, उसी में आप कोई भी प्रभु का एक मंत्र, एक नियम, एक शब्द, एक वाक्य
ले सकते हैं और वही कल्याणकारी होता है। एक मित्र ने बताया कि एक अघोरी बाबा ने उनको खूब गालियां दी, तो उन्होंने कहा कि बाबा मुझे कोई गुरु मंत्र दीजिए। उन्होंने एक बहुत बड़ी भारी भरकम सी गाली दे दी। उन्होंने कहा कि गुरु जी गुरु मंत्र दीजिए, मेरा जा भाग जाने से, यही तेरा गुरु मंत्र है। अब उस व्यक्ति की जो थी भक्ति इतनी दृढ़ थी कि उन्होंने संत का वो वाक्य धारण किया, और जो व्यक्ति थे जिन्होंने, जो महात्मा थे जिन्होंने वो वाक्य बोला, वो भी बहुत पहुंचे हुए थे। अब ये व्यक्ति आए और दिन रात उसका जब करते रहे, घर वाले परेशान, कितनी गाली देता है, पड़ोसी परेशान, कितनी गाली देता है, पर लोगों ने कहा गाली ही तो दे रहा है आजकल, ये आम बात है। उन गालियों का जाप करते करते उसकी बहुत ऊंची स्थिति हो गई, तो वो ये व्यक्ति किसी को गाली दे दे तो उसका बेड़ा पार हो जाए। तो जिस भी वाक्य का हम रटन करें उसमें उसमें ईश्वर का प्रतिरूप समझें और स्वयं को ईश्वर से जोड़ पाए, ऐसी हम प्रार्थना करें, तो सदैव ईश्वर हमारे साथ है ही, ऐसी भावना हमें रखनी चाहिए। और इन सत्संग के माध्यम से हम जितना हो सके स्वयं को रजोगुण और तमोगुण से बचा सकें। जय श्री राम, जय गुरु, जय स्वामी लीला शाह।